जैसे अभी भाई ने बताया, पीछे जो ब्रिज टूटा था वहीं पर कंकाल 2000 के उसमें पाए गए हैं। बस गया। ब्लॉग की शुरुआत हमने सुबह 2:30 बजे करी। 2:30 बजे हम निकले अपने घर से संजीवन की ओर। रास्ते में पड़ा हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब गुरुद्वारे को देखते हुए हम सीधा गए सीपी। संजीवन का रास्ता हमारे सीपी के रास्ते में पड़ता है, तो सोचा हमने कि सुबह के 2:30 से 3 बज रहे हैं, तो हम थोड़ा टाइम सीपी में स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम संजीवन जाएंगे। इतनी रात को संजीवन जाने का कोई फ़ायदा नहीं, डर अलग लगता है वहाँ। वहाँ की सजावट देख के तो हम कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए, और वहाँ थोड़ा मस्ती मजाक करने के बाद और एक दो अंकल से मज़े लेने के बाद हम सीधा निकल के संजीवन की ओर। ब्लॉग बनाने जा रहे थे तीन प्राणी, उनको क्या ही पता था तेरी क्या पता था बारिश के चलते इनके ब्लॉग की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब इनके ब्लॉग का क्या होगा, इसको देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो अभी आए हम संजीवन, दिल्ली की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से आती है, तो इसका हम बहुत टाइम से रिव्यू देख रहे थे और हमने डिसाइड करा कि एक बार चलते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्यों इसे बोला जाता है मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन दिल्ली। और अभी एंटर कर चुके हैं, वाइब तो बहुत गंदी आ रही है, सही बता रहा हूँ, बहुत गंदी वाइब्स आ रही है, डर बहुत लग रहा है। ये साले ये मज़े लेंगे। भाई मैं नहीं था पागल है क्या, डर लग रहा है। दिखाते हैं आपको भी क्या होता है और क्या हमें दिखता है। अपने साथ चल रहे भरत, ध्रुव ध्रुव द लाइट मैन। यहाँ की बहुत बड़ी स्टोरी है जो मेरे को बहुत पहले पता चली थी कि संजय वन पहले एक बहुत बड़ा फोर्ट हुआ करता था, पर थोड़े टाइम बाद जब ये वॉर एरा वगैरह चला था उसके बाद ये एकदम से लैंड छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे कहा जाता है, बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ के लोगों की, आसपास के बहुत लोकल इस चीज़ को जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी आई वुड से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है जगह, पर लोग तब भी आते हैं बिकॉज ये जगह बहुत फेमस है। पर मैं सजेस्ट नहीं करता यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे बहुत लोग, हाँ लोग आते हैं यहाँ पे रनिंग वगैरह के लिए, पर सजेशन दिया नहीं जाता कि यहाँ पे एक टाइम फिक्स करा है ठंड के टाइम पे, अगर 7 से आप सुबह 4 बजे के बीच में आते हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी होता तो कोई गारंटी नहीं होता यहाँ पे, एक बहुत बड़ा कॉशन साइन है यहाँ पर, बट स्टिल लोग आते हैं, बहुत शौक है लोगों को मरने का, हमें भी है। बस गया। लेक भी तो है यहाँ पे, बहुत फेमस लेक है, और दिल्ली के अंदर सबसे हाईएस्ट सुसाइड्स ना इसी जगह पे होती हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड बॉडीज या फिर डेथ बॉडीज यहीं पे पाई जाती है, बिकॉज संजीवन सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है इस चीज़ के लिए, और ये बहुत बड़ी सी बात है। वॉक के लिए तो आए हुए लोग बहुत देखने आए हैं, भाग भाग के भी जाते थक गए, वाइब्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे सांप बिच्छू आपके क्या कहते हैं जितने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बड़ी तरह से होती होती है। अभी ऑनलाइन देख रहा था, यहाँ बता रहे थे 8 तरह के सांप होते हैं, सुसाइड स्पॉट तो है ये बहुत बड़ा, और मुझे पता है जगह हॉन्टेड है, इन्हें बहुत जगह अच्छी नहीं है, बाइक आ रही है, आपको पता चले स्टे विद अस, आराम से आइए भाई, वाइब्स बिल्कुल अच्छी नहीं है। और मैडस, ये भाई मैडस बहुत तगड़ा पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए यहाँ पे हम
फिफो सिर्फ एक चीज़ रिकॉर्ड करना है कि क्या यहाँ पे हमें वो चीज़ मिलती है जो हम चाहते हैं। वो चीज़ भाई अभी गलत मत सोचो, क्योंकि अभी यहाँ की वाइब्स ऐसी है कि फट के हाथ में आ जाए। सबको सनराइज देखना है, यहाँ पे दिल्ली का बेस्ट सनराइज कहाँ ज़्यादा ही दिखता है ना, देखते हैं सनसन और सनराइज मिल जाए। चांसेस हाई हैं बिकॉज अभी हमारा अभी टाइम हो रहा है 45:45। ओ वाइब्स और ये बिल्कुल अच्छी नहीं है ना, तो गिरता भाई अभी गिरता गिरते ही है। व्यू बहुत अच्छा है, व्यू के लिए 10/10 और वाइब्स के लिए 0, मैं तो कहूँ माइनस में। फाइनली पीक पे आए, व्यू बहुत बढ़िया है सही में। इतनी भाई हमें लेके कहाँ जा रहा है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये वो ब्रिज है जो बहुत पहले टूटा था, और यहाँ की साइड कहा कहते हैं यहाँ पे एक दो केव्स हैं इस पूरे पूरे पार्ट की, जहाँ पे आपको एक्चुअली में लोग मिल सकते थे एक टाइम पे, और थोड़े टाइम पहले अराउंड 2000 के टाइम पे यहाँ पे कंकाल पाए गए हैं, एंड इट वॉज एक्चुअली प्रूवन कि यहाँ पे कंकाल पाए गए हैं, और ये जगह उसके बाद से सील ऑफ कर दी गई थी, पत्थर लगा दिए गए थे यहाँ पे। क्यों फाड़ रहा है भाई हमारी, वैसे ही रिव्यू इतने गंदे और वाइब्स उससे ज़्यादा गंदी है, यहाँ की व्यू बहुत बढ़िया है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आराम से यहाँ पे स्लिप रही है थोड़ा। हाँ, so, ये वाला पार्ट है, ये पहली पीक है, वो दूसरी है, आगे 3-4 और मिलेंगी, बट ये मेन पीक मानी जाती है। और सबसे पास यहाँ पे एक क्या कहते हैं एयरपोर्ट है हमारा दिल्ली का, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपको फ्लाइट मिलती रहेंगी। एंड आई होप अभी शायद से बाद ही ज़्यादा है तो हमें सनराइज दिख नहीं रहा, बट जैसे अभी भाई ने बताया पीछे जो ब्रिज टूटा था वहीं पर कंकाल 2000 के उसमें पाए गए हैं, और उसको गवर्नमेंट ने सील कर दिया है पत्थर वगैरह लगा के, और अगर ट्राई करे तो और कंकाल मिल सकते हैं। भाई थक गया कुछ ज़्यादा, जिम स्टार्ट कर दे भाई। बस कुछ वाइब कैसी है भाई यहाँ की, हॉरिबल हॉरिबल स्ट्रेंज एडोरेबल एवरीथिंग एट वन टाइम, वाह। वही ऊपर आओगे तो आपको वर्थ इट है, नीचे बहुत डर, गिर मत जाना बस, नीचे बहुत डर लगेगा, नीचे बहुत डर लगेगा। सही व्यू देखिए अब यहाँ से, एक पीक पॉइंट ये है जहाँ हम है, और एक पीक पॉइंट है सामने जहाँ ये बैठे हैं, और भी यहाँ पर 2-3 पीक पॉइंट और है, लेकिन हम सोच नहीं रहे थे कि हम आगे जाएंगे, लेकिन हमारा जो दोस्त है मैडस वो एक्सप्लोरर वही है सही में, उसको डर लगता है, हमार को भी डर लगता है, लेकिन वो जाता है हमें जाना पड़ता है। ये देखिए आओ तो ध्यान से, और हमारी मानो तो 5-5:30 के टाइम से यहाँ पर आना स्टार्ट करना, क्योंकि अंधेरे में आपको पता नहीं ये जगह दिखे या ना दिखे, आप कहीं गिर ना जाओ। ये तीसरी पीक पॉइंट, संजय वन झूठ के चक्कर में अपनी टांगे तोड़वा जाएगा ये कैमरामैन बॉय बॉय बॉय। ओ पी सीन सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर यही लगती है, आपको हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई फ्लाइट जाती हुई दिखेगी जरूर। प्रीमियम लग रही है यार,
संजीवन के अंदर ही हमें थोड़े बहुत अपनी फैमिली के नए सब्सक्राइबर मिल गए। बारिश आने वाली गाइस, बहुत ही निहायती अनोखा बंदा है। हाँ हाँ जरूर सालो, ये किसी की 200 रुपए की चुरा के लाया, 300 की पड़ी है मुझे, 300 की पड़ी, 300 की पड़ी है वापस नगर, 299 नोट, 300। बहुत टाइम बाद कैमरा ऐसे हाथ में पकड़ कर, मतलब अपना मेन कैमरा ऐसे हाथ में पकड़ कर ब्लॉग कर रहा हूँ। ये बहुत ही अनोखा बंदा है। हाँ जरूर सालो, ये किसी की 200 रुपए की चुरा के चुरा के लाया, 300 की पड़ी है, ठीक है 299। एक की टॉफी ले ली, एक की टॉफी ले ली यार। ये था संजय वन का ब्लॉग, होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ओए होए एक सेकंड, ये 299 के लिए एफडी तोड़वाई है भाई ने। क्या यार, क्या भाई का स्वैग देख रहे हो, मैड एस्ट जब भी, तो इसके चैनल का नाम है मैड एस्ट। जीवन ही खत्म हो रहा है तुम्हें ना, जो गम हां हां ये था अपने गम, ये सब स्नेक्स कहे जाते हैं कि यहां पर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आपसे मिल सकते हैं, और कभी भी आपको एक प्यार भरी पप्पी दे सकते हैं। ये पता नहीं अब यहां पर है या किसी ने मजे में कर दिए, ये काट दिए, लेकिन जब भी आप यहां हो ध्यान रखना है कभी भी आपसे टकरा सकते हो। और बताओ मैडस भाई, कुछ बताने चाहते हो आप? भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हाईएस्ट तीन जगह है दिल्ली के अंदर, एक तो भूली बटियारी, माचा महल और संजय वन, ये तीन ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ सुसाइड बॉडीज़ या फिर डेड बॉडीज़ पाई गई हैं। और भूली बटियारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरी लाइफ के अंदर दो लाशें पाई गई हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड की जो ओल्ड एज पे था, और एक दूसरा इंसान जो एक्सीडेंट से मारा गया था। माचा महल के अंदर अराउंड 12 बॉडीज़ पाई गई थी, वो भी सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से, जो उनका बहुत बड़ा मिसहैप हुई थी, सबसे बड़ा मिसहैप हुआ था, वो भी सिर्फ 10 साल के अंदर 12 बॉडीज़ पाई गई हैं। पर संजय वन के अंदर एनुअली, एंड आई मीन एनुअली, 10 से 12 लाशें पाई जाती है, पाती है एनुअली, 10 से 12 लाशें पाई जाती है एनुअली, एंड आई एम सेइंग दैट एनुअली, क्योंकि फॉर अ वाइल ये जमीन लाशें लोग तो बहुत स्टूडेंट जो सुसाइड करते हैं, यहाँ जो लोग परेशान हैं, मे बी यहाँ पे मर्डर्स की लाश भी पाई गई है, पुलिस वाले बहुत बार चेकिंग करने आते हैं यहाँ पे, तभी ये एक नेशनल रिजर्व एरिया है जिसके अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इन सर्टेन चांसेस। हमें अभी भी सुनने को मिला, वार्निंग मिली है, हाँ वार्निंग मिली है, हम प्रोफेशनल कैमरास लाए हुए थे और फोटो शूट और वीडियो शूट कर रहे थे, तो अलाउड नहीं है, आप मत लाना अगर आपको पुलिस के पास जाना है तो, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे चेकिंग हो जाती है, चेकिंग हो जाती है, अभी हम गेट पे जाते जाते भी सोच रहे कि कोई मिल ना जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जैसे हम ये बैग्स लाए हुए हैं तो इनको चेकिंग करा देते हैं, और वैसे भी 15 अगस्त का टाइम है, आज 14th अगस्त है, और पुलिस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रखी है और वो चेकिंग कर सकते हैं, तो प्लीज़ आई वुड से रिस्क मत लो गाइस, आओ फोन वगैरह लाओ, फ़ोन से आप फोटोग्राफी कर सकते हो, फ़ोन से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली आप कुछ नहीं ला सकते हो। तो अगर आप आ रहे हो संजय वन, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं होता, एंड अगर आप फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के अंदर ऐसे कोई चीज़ ला रहे हो तो देन आपकी काफ़ी हद तक तगड़े चांसेस है कि आपको पकड़ा जा सकता है, एंड 2 से 3 महीने की जेल हो सकती है सिर्फ कैमरा लाने के लिए। सही बात, ना कैमरा मिलेगा, हम कुछ सोच रहे हैं कि चेकिंग ना हो जाए, नहीं खाओगे। सही बात, होप करते हैं चेकिंग ना हो, जाते थे हम